वही तो वादा खिलाफी है। आप मस्जिदों में जा रहे हैं तो अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए क्यों आ सकते हो? उसका की आपने वादा खिलाफी की है। प्रधानमंत्री ने मेरे साथ नहीं, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ चलो, प्रधानमंत्री जी ने किया। जिन पार्टी के जुड़े नहीं, जिन पार्टी के लिए हमारी युवानी अपना परिवार अपना सर्वस्व बर्बाद किया, ये विश्वास पर किया सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकवाद को समाप्त करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और किसानों को कर्ज मुक्ति करेंगे, ये तो जुमला हो गया, जुमला पार्टी हो गई, भारतीय जुमला पार्टी हो गई। जो खतरे में थे उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा किया। अब तक मलमास प्रिय था, अब तो रमजान उनको प्यारा हो गया। कश्मीरी हिंदू प्रिय थे, अब तो आतंकवादी को रमजान में गोलियां न लगे वो चिंता करने लगे। कल तक गौरक्षक तुम्हारे भाई थे, अब गौरक्षक गुंडे हो गए और सेना पर पत्थर मारने वाले तुम्हारे भोले भटके भाई हो गए। ऐसा है, सबने वचन दिए थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कश्मीर के हिंदुओं को बसाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकवादियों को खत्म करेंगे, किसानों का कर्ज माफी करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में डालेंगे। सभी में वादा खिलाफी, सभी में चुनावी जुमला। तो भाई एक में तो समझ में आता है, सभी में वादा खिलाफी। उनका कि आप ही वादा खिलाफ हो मोदी के खिलाफ। अब की बार हिंदुओं की सरकार, अब की बार हिंदू युवा छात्र किसान मजदूर पूर्व सैनिकों की सरकार। यह हिंदू मांग पत्र पर हस्ताक्षर का फॉर्म है कि मैं ये मांग पत्र की बातें स्वीकार करता हूं और मैं हर रोज सुबह बोलूंगा कि हिंदुत्व के लिए वोट दूंगा। यह 20 करोड़ की हिंदू वोट बैंक खड़ी करवाने का हस्ताक्षर पत्र है। आज चुनाव मैदान में जरूर आएगा और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हिंदू समाज के पीछे एक सैनिक की भांति खड़ा रहेगा। तो यही कुंभ में हिंदू विजय की हुंकार हिंदू समाज भरेगा।